Alright guys, welcome to the top 5 of this week. वो important खबरें जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, गोदी मीडिया नहीं लाता क्योंकि you know that. दलाल. So वो हम लेकर आते हैं. If you like this series, please press subscribe and share the video. तो करना. Guys, what is our concern? What? It's really simple. देश की जनता को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और रोजगार मिले. इन्हीं पर सवाल होने चाहिए, इसी पे डिबेट होनी चाहिए. पर आप जानते हो रूल्स क्या होता है गोदी मीडिया पर. Now here we gonna talk about the health. ओके, जब देश में कोई भी एम्स बनता है दिल को बड़ी प्रसन्नता होती है. जेपी नड्डा साहब ने एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया एंड वी रियली रियली लाइक इट. एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू दैट 1264 करोड़ वर अलॉटेड. इट वाज अबाउट एम्स मदुराई एंड ही सेड दिस. फैंटास्टिक सर. वी वर सक्सेसफुल इन इट बिकॉज ऑफ योर हेल्प एंड टुडे 95% of the work of the All India Institute of Medical Sciences has been taken. It's not like that. We always appreciate the right moves of the government. AIIMS Madurai, इतना सारा पैसा दे दिया गया है, 95% काम पूरा हो गया है, लेकिन फिर विपक्षी पार्टी आई जो कि गोदी मीडिया नहीं दिखाता है और उन्होंने बताया कि ये है 95% वर्क. ये उन लोगों ने ट्वीट किया है. निगम टैगोर ने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं उसमें देखा जा सकता है कि पूरी की पूरी जमीन शून्य सपाट पड़ी है, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है. जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दावा करते हैं कि मदुरई में एम्स का काम 95% पूरा हो चुका है. एंड पीपल आर लाइक वेयर इज द बिल्डिंग. अरे ये क्या, ये बिल्डिंग में मतलब बिल्डिंग एकदम से गायब हो गई, ये तो खंडर है. अरे कहां गया ऑफिस. So that was opposition is saying, but yes guys, we really need good education, good health care and yes, most important, employment. पर न्यूज चैनल पर इन तीन मुद्दों पर कई बात होती नहीं दिखेगी आपको, बाकी आपको सब मिल जाएगा. हिंदू मुस्लिम करो. You know guys, this movie, people are talking so much about it. The name of the movie is Modi Ji Ki Beti. जी हाँ, मैं मोदी जी की बेटी. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. और लोग अंजना जी का मीम भी बना देंगे, लेकिन इस बार अंजना जी को कोई ट्रोल नहीं करेगा. अंजना जी आप मुझे देखिए. हाँ हाँ. Yes, because she did an incredible job and she was showing the real ताकत of पत्रकार. ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे फ्राइडे को. चुप हो जाइए अंजना जी. नहीं नहीं, डांटिए मत सर. आप खड़ा भाई, डांट रहे सर. चुप हो जाइए, क्या होता है. So right now we are talking about Modi ji ki beti. This movie is coming. The actress name is Avni Modi. Now the real bhai of Modi ji. Yeah, he appeared on TV. 70 में घर छोड़ दिया है, वो भारत माता का लाल बन चुका है. हीराबा का लाल तो खाली कहने का रहा. ये तो फिल्मी बेटी है जो कि नहीं है मोदी जी की, लेकिन ये तो असली भाई है. मनमोहन जी की सरकार में जो हो रहा था, इसलिए हमने उस टाइम ठाना था कि सरकार बदलनी है और हम सब लग गए थे सरकार बन, और भाजपा की सरकार बनी, लेकिन हमारी अपेक्षा के साथ बात नहीं हुई. कैमरा ईश्वर कर दो तुम. ओके, लेट्स कम बैक वन मोर टाइम ऑन दिस चीता. जस्ट लुक एट हिम. Look at the run. बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू. आप बोलोगे मैं फिर चीते पे आ गया, लेकिन चीते से ज्यादा मुझे दुख इस बात का है कि हमारा ये शेर जो कॉइन के पीछे बना होता है, इसकी यू नो बहुत वैल्यू कम हो रही है. आई एम फीलिंग सो सैड. अपना दुख भी व्यक्त नहीं करूँ क्या, चलता. लेकिन लेट्स कम बैक टू चीता आगे. नहीं नहीं, लिसन टू मी. एक बार फिर से क्या दौड़ रहा है. अरे वाह, सात चंगासी. अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स अ डैम गुड इनिशिएटिव. शेर लाया चीता जो भी है, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इससे हमारे देश का वन्य जीवन जो है वो और फलेगा फूलेगा. अच्छी बात है, मोदी जी ने एक अच्छी बात की. आज जब 8 चीते 75 साल करीब करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, ये इस पॉइंट पे 75 साल में पहली बार, 75 साल करीब करीब उसके बाद. नो नो सर, जस्ट होल्ड डाउन, होल्ड डाउन सर. नो, इस पॉइंट पे लोगों ने कहा सर आप खुद ही लाए हो. ये जो 4 चीता है, 2 मेल 2 फीमेल, ये सिंगापुर से हम लाए हैं, लायन के एक्सचेंज में लाए हैं. आप खुद ही भूल गए. और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं. नो नो नो, वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, बट दैट इज द ओल्ड वीडियो व्हेन मिस्टर मोदी इज सेइंग दिस. ये जो 4 चीता है, 2 मेल 2 फीमेल, 8 चीते पहली बार गुजरात सरकार, 75 साल करीब करीब उसके बाद. एंड हाउ कैन ही से दिस, हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं. हम डिस्प्लेसन में अभी हैं. मतलब गुल्लू की बात याद आ गई कि थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए. आफ्टर चीता एंड शेर, वन मोर टाइम आई वांट टॉक अबाउट काउस. ये एक सरकार नहीं, सारी सरकारों के मैं आपको डेटास बताऊंगा स्टेट बाय स्टेट, बट गाइस दिस इज हॉरिफाइंग.
इस संक्रमण ने भारत में 75,000 से ज्यादा मवेशियों की जान ले ली है। अराउंड 75,000 काउज आर डेड बिकॉज ऑफ दिस वायरस। और इस पे बात होनी चाहिए, मीडिया पूरे टाइम शेर चीता चीता भालू करता रहता है। अरे इनके ऊपर भी ध्यान दे दो, कैसी कैसी डिबेट्स हुई हैं। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आई मीन कैन यू बिलीव दैट दिस टाइप ऑफ डिस्कशन वाज। मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। गोइंग ऑन टीवी चैनल्स। गाय इंसान नहीं है? नहीं, गाय इंसान नहीं, गाय जानवर होती है। कितने दोगले गोदी मीडिया। चलो इंसानों के साथ नहीं, कम से कम जानवरों के साथ तो थोड़ा रहम करो। ओके गाइज, रेनी सीजन। यस, एक आम आदमी से बहुत परेशान है कि रोड्स में यू नो वाटर ब्लॉक्स आ जाते हैं, रोड खराब है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। सड़क में समा गई एक स्कूटी, स्कूटी पर सवार बुजुर्ग घायल हुए हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग सब अग्री करेंगे। कोई मोदी जी का फैन भी होगा तो होगा, हाँ यार ऐसा होता है, होता है। आई मीन दिस वीडियो, इट्स एन ओल्ड वीडियो, इट वेंट वायरल। ही वाज कंप्लेनिंग अबाउट द बैड रोड्स, जस्ट वॉच हिम। केंद्र बना हुआ है जनपद में, ये कितने सालों से बना हुआ है? कई वर्षों से, जिनकी नहीं करना, 4-5 वर्षों से इसी तरह से बना हुआ है, किसी जनप्रतिनिधि को और किसी अधिकारी कर्मचारी को। तो ये इंटरव्यू ऐसी चलता रहेगा, देखते रहो, बस ये बताते रहेंगे, ठीक है। लेकिन बीच में एक ब्रेक लेके मैं भी बता देता हूँ कि योगी जी ने कहा था कि सारे गड्ढे भर देंगे, इन्हीं पत्रकार साहब ने पूछा था, याद है वो क्लिप? सर यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, ये 1.25 महीने में भर देंगे आप? बिल्कुल भरेंगे। कैसे भरेंगे? आप देखते रहिए। So let's come back to this clip. He was giving the interview and he was talking about the bad roads. दिन नित प्रतिदिन ईसीयू रिक्शा पलट रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर पलट उठ रहे, गंभीर रूप से कई लोग यहाँ से रिपर हो रहे हैं। अब बस देखो क्या होता है। इसकी लिखित शिकायत आप लोगों ने कही दिया है? तमाम तरीके से अधिकारी तो संज्ञान नहीं है, तमाम एडीएम और डीएम महोदय इधर से गुजर रहे हैं, यही तो गुजर रहे हैं। आप देखते रहिए। योगी जी गेव हिज अश्योरेंस। So, yeah. सर यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, ये 1.25 महीने में भर देंगे आप? बिल्कुल भरेंगे। तो ये जनप्रतिनिधि जो हम चुनते हैं, उनका काम होता है कि इस बात को गंभीरता से ले, समझे जनता की समस्या को। लेकिन सरकारी को संज्ञान नहीं है, तमाम एडीएम और डीएम महोदय इधर से गुजर रहे हैं। असेंबली में क्या हो रहा है? यूपीएस तीन पत्ती खेला जा रहा है। महोबा सीट से बीजेपी विधायक विधानसभा में तीन पत्ती गेम खेलते दिख रहे हैं। और यहाँ बात खत्म नहीं हुई है, यहाँ तो गुटका रजनीगंधा चल रहा है टेबल के नीचे से। मतलब स्टूडेंट भी ये काम नहीं करते यार। हाँ ये कर लो पहले। They are our representatives and this video went viral guys। मतलब ये तो बात गलत है यार, जनता ने इतने विश्वास से उनको आप भेजा है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। यहाँ पे गुटका और तीन पत्ती चल रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। फिर से एक बार वीडियो। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मतलब किसी ने सोचा नहीं था एकदम से ना। सो दिस वॉज गोइंग ऑन दिस वीक। महोदय इधर से गुजर रहे हैं। And now guys, the most important thing of this week. Ankita Bhandari hatyakand, bahut dukhad hai. Entire country is in shock. So many protests going on. इस पार्टी का हो या उस पार्टी का हो, चाहे कुछ भी बात। अंकिता भंडारी की माँ का कहना है कि ये बहुत ज्यादती पुलिस प्रशासन की ओर से उनके साथ की गई, कि बेटी का आखिरी समय तक उन्होंने मुंह नहीं देखने दिया और अंतिम संस्कार उनकी गैर मौजूदगी में कर दिया गया। पर हमेशा मानवता सर्वोपरि होती है, उसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखी जाती। अगर गलत हुआ है तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो। जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी के साथ मारपीट की गई, उसके बाद हत्या की गई, नदी में फेंका गया, उस रिजॉर्ट को क्यों पहले ही रातों रात तोड़ा गया, खासतौर पर उस जगह को जहां अंकिता रहा करती थी, जहां वो काम करती थी, क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश थी? पीपल शुड रेज द वॉइस, इट वॉज अ ब्रुटैलिटी अगेंस्ट अ यंग गर्ल। इस मामले के जो मुख्य आरोपी थे, उनकी पुलिस रिमांड लंबी क्यों नहीं ली गई, उन्हें न्यायिक हिरासत में जल्द क्यों जाने दिया गया? चाहे वो कोई पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसको इस बात पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है यार। शी ऑलवेज रेज हर वॉइस फॉर वुमेन्स राइट, महिलाओं के अधिकारों के लिए और उनके सम्मान के लिए हमेशा आवाज उठाती है, और अच्छी बात है। लेकिन इस पूरे मामले में, अंकिता भंडारी केस में, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और लोगों को और बुरा तब लगा जब इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी कुकिंग करते हुए एक पिक्चर पोस्ट की, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट दैट इशू। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम विच पार्टी यू आर कमिंग, समथिंग रियली बैड हैपेंड एंड यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और आप हर बार बोलते हो, तो इस पर क्यों नहीं?
तो ये सवाल तो है. सो दैट्स अ फूड फॉर थॉट. सो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस एपिसोड. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.